हाँ जी तीर्थ महासमुद्र राजा भारती सनैया तीर्थ महासमुद्र राजा भारती सनैया क्या हुआ सर्द क्या है कहाँ से उठाया फिकरा कोई माता जी ने उठाया उन माता जी से पूछो और सागर की मुरली जो है 8 लाख बोलते सागर की मुरली सागर की मुरली 8 लाख थर्ड क्लास हाँ बाबा हाँ बाबा तो पढ़ते हैं लेकिन कौन सा बाबा पढ़ने वाला है जो पढ़ने वाला बाबा है वो कौन है और अर्थ बताने वाला बाबा कौन है सुप्रीम सोल है पढ़ने वाला बोलो भाई ब्रह्मा अर्थात कृष्ण की सोल है पढ़ने वाली और शिव बाबा है अर्थ बताने वाला किसके द्वारा अर्थ बताता है शिव तो बिंदी है अर्थ किसके द्वारा बताता है राम वाली आत्मा के द्वारा बताता है तो कागज की मुरली पढ़ने वाला कौन है राम वाली आत्मा ब्रह्मा की सोल पढ़ने वाली है जो बच्चा हाई स्कूल में पढ़ता है वो टेक्स्ट बुक पढ़ता है चाहे पोएट्री पढ़े चाहे गद्य पढ़े प्रोज पढ़े टीचर उसको व्याख्या देता है तो ब्रह्मा पढ़ने वाला है तो ब्रह्मा के परिवार में जितने भी होंगे वो सब पढ़ने वाले होंगे पढ़कर के सुनाने वाले होंगे कि डायरेक्ट सुनने वाले होंगे है? उसके परिवार में जितने भी होंगे कौन होंगे ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी वो सब कागज की मुरली पढ़ने वाले होंगे और हम बच्चे है हम ब्रह्मा के द्वारा जो कागज की मुरली पढ़ते हैं उस पर हमारा ध्यान जाता है या उस मुरली का जो गहरा अर्थ निकलता है उस पर हमारा ध्यान जाता है अर्थ बताने वाला कौन है शिव बाबा वहां बीके में तो अर्थ बताने वाला नहीं है तो संशय का विनाश हुआ है हो गया हो गया और जिस कागज मुरली को जाड़ी क्लास मुरली बोल रहे हैं तो भी शास्त्री कहेंगे हैं कागज की मुरली है तो कोई भगवान ने मुरली कागज की पढ़ी है क्या भगवान तो पढ़ते ही नहीं भगवान शास्त्र पढ़ते हैं नहीं कहेंगे वेद का शास्त्र है ब्रह्मा के मुख से वेद निकले तो वेद क्या है वेद भी क्या है शास्त्र है उनको गीता ज्ञानामृत थोड़े ही कहेंगे अमृत रस थोड़े ही कहेंगे अमृत पी करके देवताएं अमर बनते हैं कोई शास्त्र पढ़ने से अमर नहीं बनते वेद पढ़ने से भी अमर नहीं बनते वेदों का तो लोगों को अर्थ ही पता नहीं है वेदों के श्लोक पढ़ते चले जाओ
आप तो कुछ भी बुद्धि में नहीं बैठेगा। जैसे वो हद के वेद, वैसे ही ये मुरली कागज की बेहद के वेद। और आज के वाणी में वहाँ चार भाई नहीं होते तो क्या आया हूँ कैसे समझे? त्रेता में चार भाई पैदा होते हैं इकट्ठे है, वहां तो होते ही नहीं, वहां तो पत्नियां भी नहीं होती तीन तीन। बात कहाँ की है? संगम की बात है। संगम युग में दशरथ हैं, रथ माने शरीर, दसों धर्मों का फाउंडेशन लगाने वाले, उनकी पालना में दूसरा जन्म लेकर के राम वाली आत्मा पलती है बीके में। सिर्फ राम वाली आत्मा ही पलती है या उनके तीन भाई भी पलते हैं? हैं? वो भी पलते हैं। और साइंस वेद से आया, साइंस माने विज्ञान, वो होता है हद का विज्ञान, यह है बेहद का विज्ञान। वो हद का विज्ञान है, वो हद के वेद शास्त्रों से निकला, उन्होंने पढ़ लिया, बुद्धि में बैठ गया कि महाभारत लड़ाई हुई थी बहुत पहले, 5000 साल पहले, तो मिसाइल से निकले थे, मूसल निकले थे, अग्नेयास्त्र निकले थे, तो मनुष्य ने क्या बना लिए? आग उगलने वाले अग्नेयास्त्र बना लिए, एटम बम बना लिए। तो ओरिजिन कहां से हुआ? हद के शास्त्रों से ओरिजिन हुआ इन बम आदि का। और हमारा हद का शास्त्र है या बेहद का है? हमारा बेहद का शास्त्र है मुरली। हमारा विज्ञान भी बेहद का है, वि माने विशेष, ऐसा विशेष ज्ञान जिसमें मुख से बोल बोल करने की दरकार ही नहीं रहेगी। संकल्प किया और काम संपन्न हुआ, उसको कहेंगे विज्ञान। हमारे बेहद के साइंस के मुकाबले तो ये हद की साइंस कुछ भी नहीं है। ये हद की साइंस तो सिर्फ पुरानी दुनिया का विनाश कर सकेगी। स्थापना नहीं कर सकती। और हमारी योग की ताकत क्या करेगी? नई दुनिया की स्थापना भी करेगी और विनाश का कार्य भी संपन्न करेगी। उनमें तो इतनी ताकत ही नहीं है कि अपनी बनाई हुई रचना एटम बमों को विस्फोट कर सके, क्योंकि डरते हैं। इसलिए डरते हैं, ये बम फटेंगे तो हम भी खलास हो जाएंगे। वो तो जानते ही नहीं कि आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा के भी खलास होती नहीं, तो उन्हें डर रहता है। और हमको डर है? हमको तो डर ही नहीं, हम तो जानते हैं हम कौन है। हम तो अविनाशी आत्मा है, आत्मा तो कभी खलास होती ही नहीं।
और बाबा कह रहे हैं रावण इस समय 500 करोड़ का बाप है, तो ये बात सूर्यवंशियों के लिए क्या लागू होगी? क्यों नहीं लागू होगी, सबके लिए लागू होती है। सूर्यवंशी सूर्य के बच्चे बने हैं अभी है, 100% बच्चे बन गए, 100% बच्चे बने तो प्रत्यक्षता हो जाए। सूर्य सबको रोशनी देता है या कोई को देता है कोई को नहीं देता है? कोई आत्मा ऐसी है इस दुनिया में, ऐसी मनुष्य आत्मा जिसका कोई से लगाव न लगा हुआ हो? अभी कोई है? कोई नहीं, तो सूर्यवंशी कैसे बन गए? पक्के पक्के सूर्यवंशी तो तब कहेंगे जब नष्टो मोहा स्मृति लब्धा हो जाए। फिर वो एनएस के पीछे पड़ गए। ये फाउंडेशन लग रहा है, ये कोई नई दुनिया नहीं बन गई, फाउंडेशन गड्ढे में लगाया जाता है और स्वर्ग की नई दुनिया ऊपर होगी या गड्ढे में होगी? ऊपर होगी, साफ को दिखाई देगी। और बाबा घर में पति रोज अमृत वेला नींद में रहते हैं, इसका कारण क्या है? पहले अपने को देखना है या दूसरों को देखना है? हैं? हम कंप्लीट हो जाएंगे तो हमारे प्रभाव से दूसरे भी कंप्लीट हो जाएंगे। और शिव पुराण में आया है कि ब्रह्मा बार में रजोगुणी है और अंदर से हृदय में तमोगुणी है। तो अंदर बाहर एक है या अलग अलग है? अलग अलग है, इसलिए उसके फॉलो करने वाले जो भी बच्चे हैं वो भी कैसे होंगे? अंदर एक बाहर दूसरे। और वाणी में बोला है जो अंदर एक और बाहर दूसरा है ऐसा मेरे नजदीक नहीं आ सकता। नजदीक नहीं आ सकता माने ब्रह्मा नजदीक नहीं आता है, है? आ सकता है, आता है। नजदीक आने का मतलब है कि मेरा जो पार्ट है साकार पार्टधारी वो संगम में पार्ट विशेष बजाता है और ब्रह्मा की सोल कहां पार्ट बजाएगी? सत्युग में पार्ट बजाए। तो नजदीक हुआ या दूर हुआ? दूर हो गया। क्योंकि जो भी फॉलोअर्स हैं उनका भी वही असर होता है, क्योंकि अंदर से एक और बाहर से दूसरे हैं। बाबा ज्ञान में आने के बाद भी जो झूठ बोलते हैं उनको क्या शिक्षा मिलेगी? झूठखंड की दुनिया में जाएंगे या सचखंड की दुनिया में जाएंगे? झूठखंड की दुनिया में जाएंगे।
और बोलो। हाँ जी जगत्पिता और जगदम्बा हर धर्म में जाते हैं, राजा ही नहीं माना। वो धर्म शुरू होने के बाद कितने साल बाद है धर्म जो शुरू होता है? हाँ, हर धर्म में जगत्पिता जगदम्बा राजा ही देने जाते हैं, तो कितने साल बाद माना? 300-400 साल लगते हैं हर धर्म की प्रजा तैयार होने में, क्योंकि धर्म पिता तो अकेला आता है। जब आता है, प्रवेश करता है, अपने तरीके से धर्म की धारणा की बातें सुनाता है, तो सुनने वालों की संख्या पहले थोड़ी होती है या ज्यादा होती है? थोड़ी होती है। बाद में वृद्धि होते होते 300-400 वर्षों में जब वृद्धि बहुत हो जाती है लाखों की तादाद में, तब आकर के उनकी राजा स्थापन होती है। और वो तो राजयोग सीखते ही नहीं, सीखते हैं नहीं, तो राजा कैसे स्थापन होगी? कौन आकर के राजा स्थापन करेगा? राजयोग सिखाने वाला शिवबाप तो आता नहीं। द्वापर कलयुग में शिवबाप आते हैं क्या? नहीं आता, तो राजा कैसे स्थापन होगी? कौन राजा स्थापन करेगा? संगम युग में बाप ने जब आकर के राजयोग सिखाया तो आप समान भी किसी को बनाया। जो आप समान बनता है, जिसका नाम आत्माओं के बाप के साथ जोड़ा जाता है, शिव शंकर, वही आत्मा निमित्त बन जाती है। सब धर्मों में राजाई देने के लिए उनका ग्रुप जाता है। राजाई की स्थापना करके वापस लौटाते, ऐसे नहीं कि उनके धर्म में जाकर कन्वर्ट हो जाते हैं, नहीं, जन्म लेते हैं लेकिन उनके धर्म में कन्वर्ट नहीं होते। मणके की बात बाद में करें, पहले पहले किस में प्रवेश करते हैं? जब राम वाली आत्मा में प्रवेश कर सकते हैं तो दूसरे रुद्रगणों में नहीं प्रवेश हो सकते? और वो अकेले क्यों प्रवेश करते हैं? और भी तो ढेर की ढेर आत्माएं हैं जो रुद्र के मणकों में प्रवेश करती हैं। रुद्राक्ष में अनेक अनेक मुख दिखाई जाते हैं, तो अकेला ब्रह्मा की सोच थोड़ी प्रवेश करती है, और धर्म की आत्माएं भी प्रवेश कर जाती हैं। और ब्रह्मा बाजा को ब्रह्मा बाबा को जिन बच्चों ने दुख दिया, दुख दिया सबसे हिसाब किताब शुष्क करने के लिए उनको धर्मा पाठ बजाना पड़ता है। अपने कितना मन का उसको कितने दुख दिया, इसलिए उसका थोड़ा आधार लेना पड़ता है।
क्या आश्रय में जो जितना बंधन है सजा देना अलग बात है, प्रवेश करना अलग बात है, और प्रवेश करके ही कोई काम नहीं किया जाता है। कोई जरूरी नहीं कि कोई काम करने के लिए प्रवेश करे तभी ही काम करे, वैसे सहयोगी नहीं बन सकता। बिना शरीर की आत्मा कुछ नहीं, आत्मा है ना उसके अंदर अपनी आत्मा है, उसका शरीर बन रहा है है? इनका शरीर इतना मंत्र जो है धर्मराज शरीर के उनका हिसाब किताब और आत्मा से हिसाब किताब नहीं होगा तो जन्म जन्मांतर के 84 जन्मों का हिसाब किताब कैसे बनेगा? हिसाब किताब तो सभी का सभी से होता है, कोई से होता है कोई से नहीं होता है। ये कोई जरूरी थोड़े ही कि ब्रह्मा की सोल प्रवेश करेगी तभी वो आत्मा उसका कार्य करेगी, वैसे सहयोगी नहीं बन सकती। हाँ किन्हों ने दुख दिया है? 8 आत्माएं हैं वो ऐसा श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाली हैं कि उनके दुख देने के संसार हैं ही नहीं। वो जन्म जन्मांतर लैंड आर्डर में चलने वाली आत्माएं हैं और दूसरों को चलाने वाली हैं। ऐसी आत्मा दूसरों को दुख क्यों देंगी? है किनको दुख दिया है? तीसरे मनता तो खुद ही ऐसे देवों में से है। हाँ हिसाब किताब अपना योग बल से चुपचू करते हैं न के सजाओं से चुपचू करते हैं। अगर योग बल से उनका हिसाब किताब चुपचू होने हो गया हो ये कहाँ कहा? राम वाली आत्मा का हिसाब किताब चुपचू हो गया? जब पहले का ही हिसाब किताब चुपचू नहीं हुआ अभी तो तीसरे का कहाँ से हो जाएगा? तो पद कम हो गया ना, तीसरा नंबर हो गया। सजा तो नहीं काटते ना? सजा क्यों खाएं? सजा कोई ऐसा लॉ एंड ऑर्डर के विरुद्ध कोई काम ही नहीं करते तो सजाएं क्यों खाएंगे? तो क्योंकि वो कम होने वाली पद कहाँ होगा? है वो पद कम कहाँ होगा? पर नंबर वार तो रहेंगे ना, एक जैसे थोड़े ही हो सकते। 500 करोड़ पत्तों में, झाड़ के पत्तों में एक पत्ता दूसरे से मिल नहीं सकता। नसें नाड़ियां जरूर अलग अलग प्रकार की होंगी, नसें नाड़ियों का मैप खींचा जाए तो अलग अलग प्रकार के पत्ते निकलेंगे, एक जैसे नहीं हो सकते, एक जैसा वजन भी नहीं होगा, एक जैसा आकार भी नहीं होगा, कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा अंतर जरूर रहता है। एक जैसे कर्म किसी के होते ही नहीं, अगर एक जैसे कर्म हो जाए तो जन्म जन्मांतर के चेहरे मोरे भी एक जैसे हो जाए। जहाँ हमारा मन होगा, जहाँ हमारा जन्म होगा वही हमारा मन होगा। मन स्थिति अलग है, है? मन की स्थिति बदलता रहता है। हाँ हाँ जहाँ हमारा मन होगा ये नहीं है, जहाँ हमारा तन और धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। तन के ऊपर, तन की शक्ति के ऊपर और धन की शक्ति के ऊपर मन भागता है। Thank you.
से कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है, धन से जब सुख मिलता है हाँ मन कंडीशन बनता है, जब दुख सुख में दुख मिलता है तब रुकता है ना मन। हाँ मन जब शरीर में दुख महसूस होता है हाँ रुक जाता है, जब किसी से दुख मिलता है तो मन मुड़ेगा या नहीं मुड़ेगा? मुड़ेगा। किसी से सुख मिलेगा तो मन उसकी तरफ मुड़ जाता है। मन को जिसने जीत लिया तो सुख की तरफ भी नहीं मुड़ेगा और दुख की तरफ भी नहीं मुड़ेगा। मन को वो ही मोड़ सकता है जिसके अंदर पूरा ज्ञान हुआ हो। ज्ञान बुद्धि में है कि हर आत्मा के अंदर 84 जन्मों का पार्ट लुदा हुआ है। कोई के अंदर पार्ट लुदा हुआ है मेरे से प्यार करने का और जन्म जन्मांतर प्यार करने का पार्ट लुदा हुआ है, लेकिन जो पार्ट रुंधा हुआ है वो उस आत्मा की शिफ्ट है या प्राकृतिक रुंधा हुआ है? आत्मा की शिफ्ट है। आत्मा की शिफ्ट है, प्राकृतिक रुंधा हुआ नहीं है। जन्म जन्मांतर का कल्प कल्पांतर का तो किससे प्यार करें किससे द्वेष करें? ये सारा ही ड्रामा और ड्रामाबाजी हर आत्मा में अपनी अपनी भरी हुई है। उस ड्रामाबाजी से हर आत्मा बंधी हुई है। तो किसी का दोष है न किसी का दोष है और ना किसी की खासियत है। जो ज्ञानी है उसका गधे की आत्मा से भी उतना ही प्यार होगा, इसका भी कल्याण हो जाए। और बड़े से बड़ा महात्मा है, बड़े से बड़ा राजा है, उसकी आत्मा से भी उतना ही प्यार होगा, इसका भी कल्याण हो जाए। न कोई से राग न कोई से द्वेष। न्याय न्याय करने के लिए कौन करता है न्याय? जो भी गलत करता है। न्याय करता कौन है दुनिया में? दुनिया में ऐसा कोई है जो न्याय करता है? कोई करता है न्याय सिवाय परमपिता परमात्मा के? इस दुनिया में आकर न्याय कोई करता ही नहीं है। सब ने अन्याय किया है, तब ही तो परमात्मा को आना पड़ता है। अब इस युग में न्याय करता है वो तो धर्मरथ कपाट से बचा। बिल्कुल धर्मरथ कपाट से नहीं बचा। बिल्कुल धर्मरथ कपाट क्यों नहीं है? ऐसी दुनिया की कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू ना होती हो, उसके अंदर धर्मराज का पार्ट भी नुदा हुआ है। उसके अंदर नहीं होगा तो अलग से धर्मराज भी नहीं हो सकता। भगवान तो बिंदी को कहा जाता है, निराकार को कहा जाता है, लेकिन वो इस सृष्टि पर जब तक साकार न हो तो उसको भगवान मानेगा कौन? तो जिसके द्वारा साकार होता है वही भगवान का समझने और समझाने योग्य स्वरूप है। भाग्यवान रूप है। बाबा जी अपने कर्मों से आप दंड कर सकते हैं। है कर्मा दंड बोला
धर्मराज धन देता है ना, धर्मराज धन नहीं देता है, धन देता है अपने कामों से आप धन निमित्त बन जाता है धर्मराज। एक दिल्ली में कहा है जो जो सजा देते हैं वो भी सजा खाते हैं, है जो सजा देते हैं वो भी सजा खाते हैं। ऐसा कोई सीढ़ी में नहीं कहा, जो सजा देता है धर्मराज भी सजा खाता है, फिर वो देवता किस बात का, अष्टदेव किस बात का, जो सजा खाए वो सीढ़ी में, एक सीढ़ी में है तो इस सीढ़ी में, वो सीढ़ी ला के सुनाना यहाँ, अगली बार में लाना हो सीढ़ी सुनाना। हाँ हाँ कर देते हो बार बार, झूठ बोल देते हो बार बार, अपने लाके सुनाते नहीं हो। अरे ये साबित ही नहीं हो सकता है ये बात कि एक मुरली में दो दो बातें आए एक दूसरे को त्रास करने वाली। आया आया, भगवान भी झूठ बोलता है, कभी एक बात बोलता है कभी दूसरी बात बोलता है, एक मुरली में आया है। अरे मुरली में बोल दिया आष्ट देव है, आष्ट देवताएं हैं, उनमें धर्मराज भी एक देवता है, वो आठों देवताएं सजाएं नहीं खाते हैं। तो धर्मराज सजा देने वाला है तो सजा खाता भी होगा, ये कोई बात नहीं है। कमल उनको कलेक्ट करने में, महाबाकी को कलेक्ट करने में कुछ भूल हो गई। बाबा के घर जाए, बाबा के घर जाकर ये बाबा के घर जाए फिर आकर राजभाग लेना है, ऐसे बोला था। बाबा के घर जाए फिर आकर राजभाग लेना है, राजभाग लेना है। तो फिर जब आत्मा हनुमान छोड़ देती है तो राजभाग लेने की क्या आवश्यकता पड़ती है? हनुमान छोड़ देती है पुरुषार्थ के जीवन में आत्मा का जो कनेक्शन है वो अनेक जन्मों से है या इसी जन्म से है? तो शूटिंग पीरियड में आत्मा जो संकल्प करेगी अनेक जन्मों की प्राप्ति के लिए, वो आगे के भविष्य जन्मों में प्राप्त करेगी या इसी जन्म में प्राप्त करेगी? बस इधर तो इधर आएगा, इधर कैसे रिजल्ट आएगा, इधर तो इधर शूटिंग का रिजल्ट आएगा। शूटिंग पीरियड में वो वैसा ही कार्य करेगी जैसा ब्रांड ड्रामा में कार्य किया। और बाबा पिछले बार के क्लास में कहा है मेरे अंदर सिर्फ पांच टूटा हुआ है, हाँ किस प्रकार का पांच ज्ञान सुना है? शक्ति के आज में से कि ये रहस्य को सुना लेगा धर्म अर्थ काम मोक्ष, इनका बेहद का अर्थ क्या है? धर्म माने धारण, जो 100% धारणा है वो कौन सिखाता है? सिवाय एक परमपिता परमात्मा की कोई असली धर्म स्थापन करता ही नहीं, सब धर्म कोई नहीं स्थापन करता। तो सब धर्म हम प्राप्त करें, सब धर्म है ही आत्म की स्थिति में स्थित हो जाना, ये ही सब धर्म है, ये हमें प्राप्त हो जाए, धर्मों की प्राप्ति हो गई। अर्थ, अर्थ कहते हैं धन संपत्ति को। बाबा जो हमको ज्ञान देते हैं, ज्ञान रतन देते हैं, उनके लिए बताते हैं ये ज्ञान रतन ही तुम्हारे सच्चे रतन बन जाएंगे, स्थूल रतन बन जाएंगे,
तो ये बात विश्व के मालिक बनने के ऊपर लागू होती है या नहीं होती है? वो सबसे जास्ती ज्ञान उठाता है या नहीं उठाता है? तो सारी दुनिया का धन किसकी मुट्ठी में आ जाता है? तो दूसरों के लिए नंबर वन होगा या नहीं होगा? तो अर्थ की प्राप्ति भी हो जाती है। काम कामना ऐसे सुख की प्राप्ति हो, इस इंद्रिय के सुख की प्राप्ति हो, उस इंद्रिय के सुख की प्राप्ति हो, कामना इस जन्म की भी प्राप्ति हो और अगले जन्म जन्मांतर के लिए भी प्राप्ति हो, ऐसी कामना तो कामना की भी पूर्ति होती है या नहीं होती है? वो भी हो जाती है। मोक्ष मुक्ति इस दुनिया के दुख दर्दों से मुक्ति हो जाए, झूठे जो सुख है इस दुनिया के उनसे भी मुक्ति हो जाए, कोई भी प्रकार का बंधन न रहे, बंधनों से संपूर्ण मुक्ति हो जाए, उसको कहते हैं मुक्ति या मोक्ष। ये धर्म अर्थ काम और मोक्ष ये जीवन का लक्ष्य है ब्राह्मण जीवन का। पुराण में है विष्णु बार में तत्वगुणी है, और हृदय में तमोगुणी नहीं है। असुरों के लिए कैसा है? असुरों के लिए तमोगुणी है या तत्वगुणी है? है असुरों की जहां बात आएगी वहां असुरों को कभी सपोर्ट करता है? करता है नहीं करता है। और रुद्र, रुद्र कैसा है? बाहर में तमोगुणी दिखाई देता है और अंदर में तत्वगुणी है, सबके लिए सात्विक भावना, चाहे राक्षस हो चाहे कीट पशु पक्षी पतंगा हो, सब सुखी हो जाए या कोई रह जाए, सब सुखी हो जाए। सारी सृष्टि की सभी जीवात्माएं सुखी हो जाए, प्रजापिता और शंकर एक ही व्यक्तित्व है। पिता किसे कहा जाता है? पिता किसे कहा जाता है? क्या कर्म करता है जो पिता कहा जाता है? जो बीज बोता है उसे पिता कहा जाता है। यज्ञ के आदमी क्या था? पिता था। अभी भी जो ज्ञान का बीज बोता है, बाप की पहचान देता है, बाप की पहचान बाप के सिवाय वो दे नहीं सकता, तो ज्ञान का बीज डाला ना, हर एक में पड़ता है कि कोई ब्राह्मण में पड़ता है कोई में नहीं पड़ता है, हर एक ब्राह्मण में पड़ता है, तो हर एक ब्राह्मण का प्रजापिता हुआ,
ज्ञान का बीज डालने वाला पिता है, और फिर अंत में जब बच्चे होशियार हो जाएं, समझदार हो जाएं, तो बच्चों को वर्षा देने का काम बाप है। तो वो प्रजापिता है। शंकर किसे कहा जाता है? शंकर कहा जाता है मिक्स को। इसमें राम वाली आत्मा भी कार्य करती है, कृष्ण वाली आत्मा भी काम करती है, और शिव की आत्मा भी काम करती है। एक ही व्यक्तित्व में तीनों आत्माएं काम करती हैं, तो शंकर है। जब बाप की प्रत्यक्षता हो जाएगी तो तीनों आत्माएं रहेंगी। शिव तो आप समान बना के चला जाएगा, तो शंकर नहीं गएंगे। फिर 500 करोड़ आत्माओं का भला करने वाला, जन्म देने वाला रहेगा या नहीं रहेगा? रहेगा। जब तक 500 करोड़ के अंदर ज्ञान का बीज नहीं पड़ा है, बाप की पहचान नहीं हुई है, तब तक बाप का पार्ट फलार नहीं हो सकता। वो प्रजापिता है, शंकर का पार्ट अलग है। इसलिए मुरली मोला सीधा सीधा नहीं समझाना चाहिए, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा बिना, क्योंकि ये क्रम है ही नहीं। क्रम क्या है? पहले ब्रह्मा द्वारा स्थापना, फिर शंकर द्वारा पुरानी ब्राह्मण शक्ति का विनाश, फिर नई शक्ति विष्णु द्वारा पालना। तो शंकर अलग है और प्रजापिता अलग है। तो प्रजापिता और शंकर एक ही व्यक्तित्व है, तो फिर शास्त्रों में ऐसे क्यों दिखाते हैं कि प्रजापिता दक्ष प्रजापति ने शंकर जी को गालियां दी? शंकर जी को गालियां दी या शिव को गालियां दी? भगवान को गाली दी, खुद को भगवान समझ बैठा जब तमो प्रधान बना, या शंकर को गाली दी? खुद को भगवान समझ बैठा तो शिव को गाली दी। बाबा माँ एडवांस में चलती है, बेटा ज्ञान में नहीं है, लेकिन वो कमाता है। इसको उसके पैसों में से बाबा को सेवा में देने से वो पैसे माँ लाकर बाबा को दे सकती है क्या? अगर बेटा स्वेच्छा से माँ को देता है तो क्यों नहीं दे सकती? बेटे की कमाई पर माँ का अधिकार नहीं है, है? लेकिन छीन के या चोरी करके नहीं, कैसे? बेटे की स्वेच्छा से। हाँ, ये बात पति के लिए पूछी होती तो बात बदल जाती, क्योंकि पति की कमाई पर स्त्री का आधा हक है। देता है तो बड़ी अच्छी बात, नहीं देता है तो अगर चुरा के भी लेती है तो थोड़े चोरी के संस्कार तो पड़ेंगे, लेकिन पाप उसके ऊपर अपने हिस्से की कमाई का लेने का पाप नहीं चढ़ेगा, क्योंकि आधा उसका हिस्सा है ही। क्या लड़ाई लड़के ले ले, कोर्ट से लड़ाई लड़के ले ले, तो उसका जेब में से निकाल ले आधा तो भी हक है, और मांग के ले ले और वो नहीं दे तो भी हक है या नहीं है? हक तो है।
रामा में बनी हुई रामा के लिए क्यों क्या कैसे किया जा सकता है? रामा के लिए क्यों क्या कैसे नहीं कर सकते? रामा जो बना हुआ है कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है? अरे पिछले जन्म में पति माँ की पत्नी बनी होगी कि नहीं बनी होगी? बनी होगी कि नहीं बनी होगी? बनी होगी। तो जब बनी होगी तो पत्नी सत्संग में जा रही होगी, उसका पति जो पत्नी बना था वो सत्संग में जा रही होगी और उसने ना कर दिया, नहीं देंगे तो हिसाब किताब पूरा होगा कि नहीं होगा? यहाँ क्यों का जवाब ही है। तो पूर्व जन्म को क्यों भूल जाते हो? अपने ऊपर पहले पूछो, हम पूर्व जन्म को क्यों भूल जाते हैं? याद क्यों नहीं रहता? दूसरों को याद रहता है और हमको क्यों नहीं याद रहता है? ये माता कहती क्रिश्चियन धर्म का होगा, क्रिश्चियन लोग नहीं मानते हैं पुनर्जन्म को। बाबा कोई आत्मा शरीर छोड़ती है पापात्मा, तो किसी में प्रवेश करती है और पाप कराती है, तो शरीर भारी उसके ऊपर पाप चढ़ता है ना बाबा? तो कोई आत्मा शरीर छोड़ देती है तो सजा कैसे मिलेगी उसको? तो बाबा ने कहा शरीर धारण कराकर मुझे मैं सजा दूंगा। तो शरीर जब धारण करती है तो भी वो शरीर धारी होतेगा ना? जब वो आत्मा शरीरधारी संपन्न बन जाएगी, क्या संपन्न बन जाएगी, तो संपन्न में तो प्रवेश हो नहीं सकता, कोई दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी। ऐसे शरीर में प्रवेश करेगी जिसका बहुत कुछ हिसाब किताब संपन्न हो चुका होगा, तो आधी सजा वो भोगेगी, आधी सजा वो भोगेगी, दोनों को अनुभव होगा। अभी भी बहुत से लोग हैं जो अनुभव करते हैं कि हमारे में अंदर जो सोच जब प्रवेश करती है तो हमें बहुत कुछ याद रहता है, वो सोच के अंदर अंदर बातें भी करते हैं, तो आधा अनुभव उनको होता है, आधा अनुभव उनको होता है। लेकिन सजा जब देंगे तो शरीर को डंडे पड़ेंगे, तो आत्मा तो उसको तो शरीर है ही नहीं। एक आत्मा ऐसी है जो संपन्न बन चुकी है, संपन्न बन चुकी आत्मा जब चाहेगी तो शरीर छोड़ देगी, दूर से देखेगी अपने शरीर, और जो असंपन्न आत्मा है उसमें तो ये शिफ्ट नहीं है, तो वो तो उसमें औलिया तो उसको बांध लेते हैं। जब औलिया बांध सकते हैं तो धर्मराज नहीं बांध सकता। बाबा बिना शरीर के वो आत्मा कैसे संपन्न होती है? शरीर के शरीर में प्रवेश करती है ना, सूक्ष्म शरीरधारी आत्मा प्रवेश करती है, और जो सूक्ष्म शरीरधारी नहीं है जिसका अपना शरीर है वो पुरुषार्थ करके अलग हो जाती है, पुरुषार्थ करके शरीर से नष्ट मोहा हो जाती है, तब की बात है। तो शरीर में भी चोट लगता है? शरीर को चोट लगेगा तो उस शरीर में जो प्रवेश होगा उसको चोट लगेगा, वो चोट महसूस करेगा, जो शरीर से बाहर निकल गया उसको चोट लगेगा। दर्द भी उसको रहता है जिसको शरीर से मोह होता है, जिसने अपनी आत्मा को एकाग्र नहीं किया है। आत्मा अंगूठा या उंगली में भी है, उंगली काटी जाती है तो तड़पाती है, आत्मा की शक्ति है ना, वो देवान तक है, आत्मा में देवान भरा हुआ है, एकाग्र नहीं है। जब आत्मा संपूर्ण एकाग्र हो जाएगी तो शरीर से शक्ति खींच करके बिंदु में आ जाएगी, नेत्रों में पावर आ जाएगी या शरीर के अंदर रहेगी? नेत्रों में आ जाएगी।
जिसमें गुर्जर जमीने मंगलग्रह प्रवेश करते हैं फिर चले जाते हैं तो शरीर को बहुत दर्द होता है कहते हैं आत्माभिमानी गुजरात दी आत्माभिमानी नहीं मतलब प्रवेश करते हैं तब रहते हैं निराकारी स्टेज में वो उनकी आत्मा रहती है इसको तो दबा के रखते हैं बाबा बुद्धि के पॉइंट है आटी आटी तोड़ दूंगा शरीर से आटी आटी तोड़ दिया नहीं छोड़ देगी और तुम आटी आटी तोड़वाते रहो अभी शरीर तुम्हारा है वो दूसरे आइटम पर फोड़ने वालों में प्रवेश करके काम करती रहेगी कोई में भी प्रवेश करके कार्य करेगी अपना शरीर है ही नहीं होता है पांच तत्वों का शरीर हो गया अपना शरीर तो उनका होता है जिनको लगाव होता है लगाव है तो अपना शरीर है जब लगाव ही नहीं तो पराया है प्रकृति का है ना मेरा है ना मेरे बाप का है बाबा जब शरीर से संबंध बनेगी तभी तो उनका पूजा होता है उस शरीर की पूजा कहाँ होती है वो तो मूर्ति की पूजा होती है जरा मूर्ति की पूजा होती है शरीर की पूजा कहाँ होती है बाबा जैसे कि सरस्वती वाले आपने अपने शरीर से संपर्क नहीं करती हाँ जन्म दे हाँ जन्म के स्वर्ग में नहीं आ रहे हाँ तो उसी प्रकार थोड़ी देर में वो शरीर से बाहर आ गई तो धर्मराज ने उनका आटी आटी छोड़ दिया तो दोबारा उसी शरीर में इस शरीर में दोबारा प्रवेश कर गई मम्मा बाबा की आत्मा कोई एक ही शरीर में थोड़ी प्रवेश करती है सब बच्चों में प्रवेश करती है मम्मा बाबा वालों की बात नहीं है और दूसरों की बात नहीं समझ रहे जैसे मम्मा बाबा की दूसरी आत्माएं भी कोई एक शरीर में उनका कोई एक घोड़ा नहीं होता है कभी एक घोड़े में प्रवेश करेंगे कभी दूसरे में प्रवेश करेंगे कभी तीसरे में प्रवेश करेंगे ऐसे प्रवेश करते रहेंगे तो उनका हिसाब किताब भी बनता है जब तक हिसाब किताब तब तक डंडे खाते रहेंगे दूसरे का कोई एक ने थोड़े ही उनको सहन कराया है सहन कराने वाले तो ढेर के ढेर बच्चे हैं प्रवेश करना होता है इसलिए प्रवेश करना हाँ जी हाँ जी बाबा एक और आया भाई मैंने तारक कर करा कर सदा दूंगा शरीर धारण करा के सजा दूंगा ये उनके लिए है जिन्होंने सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया है शिव बाबा तो वो पाठ नहीं बता रहा है तो कहना है तो जैसे कि ब्रह्मा द्वारा जैसे चंडक द्वारा ब्रह्मा बाबा इंटरफियर करके बोलता है या नहीं बोलता है तो वो ही बोलता है मैंने ऐसे कह सकते हैं ना धर्मराज शरीर धारण करा कर सजा दे जो औलिया होते हैं जो औलिया होते हैं भूत प्रेत निकालने वाले वो शरीर के अंदर सूक्ष्म शरीर धारी प्रेत को भूत को बांध लेते हैं कि नहीं बांध लेते बांध लेते हैं फिर उनकी पिटाई करते हैं ऐसे नहीं पिटाई करते समय वो डंडा लगा और ऊपर भाग गई तो वो जब बांध सकते हैं तो पावरफुल आत्माओं को नहीं बांध सकते पिछले बार जिस आपने पूछा था है? तो बाबा जी वाली आत्मा ऐसा कौन सा संस्कार धारण किया है पिछले बार जिस आपने पूछा था है? बाबा जी वाली आत्मा ऐसा कौन सा संस्कार धारण किया अयोध्या में बाबरी मस्जिद बनाया उसके लिए बाबा ने जवाब दिया अच्छा किया ना मूर्ति कंदन ये संगम युग में सारे संस्कार धारण किए जाते हैं ना संगम युग में बाबरी पागल बाबरी माने पागल उसकी बुद्धि में ये बात बैठती ही नहीं कि बेविचार बड़ा भारी पाप है पाप को पहचानने के बाद
पागल कहेंगे ना, पागल है या चंगी है, तो पागल हो गई। बार बार समझाओ तो भी बुद्धि में बात नहीं बैठती। बात तो यहाँ की है, बाबा जी पाठ, बाबा का पाठ किसका है? जो बाबा रहा है उसी का पाठ है। तो भी बाबा और कोई याद नहीं है, हमेशा याद में रहता है। जरूरी बात, हमेशा याद में रहता है। तुम क्या उसके अंदर होते हुए हो कि हमेशा याद रहता है? जैसे कि शंकर भक्ति मार्ग जो शंकर दिखाया है, संपूर्णता की यादगार है। जो चित्र दिखाया है, जो चित्र बना हुआ है भक्ति मार्ग में, वो संपूर्ण स्वरूप के चित्र बने हैं। ये अधूरे पुरुषार्थ के चित्र बने हुए हैं। आधा ज्ञान रहता है तुम्हारी बुद्धि में, आधा भूल जाता है। पिछले बार ऐसा कहा है, अगली बार ऐसा कहा है, मूर्तियों को तोड़ दिया है, दीवार के सामने माता के को ऐसा अच्छा ही किया सकते। दीवार के सामने माता देखते हैं, हाँ हाँ मुसलमान, हाँ तो अच्छा कहते हैं, अच्छा करते हैं, अच्छा कहते हैं। माना बुद्ध मूर्तियों को बनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो दीवारों की पूजा कर लो तो अंतर क्या पड़ा? बात एक ही हो गई या अलग अलग है? एक ही बात हो गई। अरे बाबा वो पत्थर की वाली बात, आप वो बात समझाई। हाँ बोलो बोलो, अच्छा कैसे? यही तो बताया, ये समझाने की बात हुई। जो अंधश्रद्धालु हिंदू हैं, उनको समझाने की बात हुई कि पत्थर की मूर्तियों की पूजा करो, इससे तो अच्छा दीवार के सामने बैठ जाओ। पत्थर की मूर्तियां वो भी जो उनसे रिजल्ट निकलता है, वो इस दीवार से भी रिजल्ट निकलेगा। एक समझाने के लिए दीवार रखी गई है सामने। और राम सीता को भी पहले इन्हें लक्ष्मी नारायण का दास दासी बनना पड़े, क्योंकि वे गुणपाठ हुए और वे फेल हुए। तो बाबा कौन से राम सीता और कौन से लक्ष्मी नारायण की बात है? सत्यु की लक्ष्मी नारायण की बात है, और जो सत्यु में लक्ष्मी नारायण बनेंगे, उनको जन्म देने वाले माँ बाप उनके दादाजी हो गए। जन्म देने वाले कौन आत्माएं होंगी? राम सीता वाली आत्मा होंगी। ऐसा खेल होने का काम उन्होंने कब किया? सत्यु के लक्ष्मी नारायण ने अपने माँ बाप के ऊपर जीत कब पाई? ये जीते आज नहीं जीत पाई। पांच विकारों में से हाँ। अहंकारियों को बाबा माफ नहीं करते हाँ। बाकी चार विकारों को माफ कर देते हाँ। विकारियों को तो विदेशी कहा जाता है, माफ कर दिया ना इनको, बाकी के चार विकार वो ठेठ विदेशी हैं, उनको माफ नहीं किया, उनको कोई वर्षा भी नहीं मिलता। इसलिए भारतवासियों को बाप से वर्षा मिलता है। कोई कम भारतवासी है, कोई ज्यादा भारतवासी, कोई 100% भारतवासी है, कोई परसेंटेज में भारतवासी, कोई आत्मा है द्वापर के आज से ही कन्वर्ट हो जाती है, भले सत्युग त्रेता में देवता बन के रहे, कोई कलयुग के अंत में जाकर के कन्वर्ट होते हैं। महर्षि दयानंद आए, आर्य समाज की स्थापना की,
उस समय कन्वर्ट हुए।